नड्डा ने संभाला गुजरात में मोर्चा, मोरबी में रोड शो, दिखाई ताकत। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया धमकाने का आरोप। गुजरात में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के किले में सेंधमारी की फिराक में है। मंगलवार को एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोऑपरेटिव संगठनों के सम्मेलन में बिना नाम लिए विपक्षियों पर हमला किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ोदरा में हुए टाउन हॉल में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सबसे पहले सुनिए नड्डा का बयान, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को परिवार और घर की पार्टी बताकर तंज कसे। और हम लड़ किससे रहे हैं? कौन है वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी पार्टी? मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूं, मुझे एक पार्टी बता दो जब से उसका जन्म हुआ उस समय से लेकर आज दिन तक वो किसी भी नियम और नियत और नीति पर खड़ी रही हो, किसी भी नियम नीति पर खड़ी रही हो। मेरा ओपन चैलेंज है राजनीति को पढ़ने वाले लोग, अगर गहराई से पढ़े तो मेरे जवाब देना कि कब और किस नियम पर खड़े रहे। बेटा पैदा हो गया तो यूथ डे, अगर बेटी पैदा हो गई तो महिला दिवस। दिवस बदलते हैं अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के साथ, यह तुम्हारा नियम और नीति रही है? कौन है हमारे साथ लड़ने वाला? एक तरफ जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार जुबानी हमले किए, मोरबी में रोड शो करके बीजेपी की ताकत दिखाई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ोदरा में हुए टाउन हॉल में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे बड़ोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। इन्होंने हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फ़ोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार। 13 जगह कैंसिल की, 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत वो सामने उधर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें हॉल दिया और उन 13 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। उन जब उनसे बात की, वो 13 लोग खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को, बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है। बोला हम आपके साथ हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत तंग करते हैं लोगों को। बताते चलें कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर दिसंबर में चुनाव होने हैं। बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो दूसरी तरफ पंजाब की जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि गुजरात में भी उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। इन सब के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।